इस मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि इंसानों के पैदा होने से पहले ही उनकी लाइफ और फेथ डिसाइड कर दी जाती है और ये सब हेवन में एक मशीन डेस्टिनी एस्ट्रोलेब कंट्रोल करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि फ्लावर माउंटेन के ऊपर एक डीमन को अपनी फेथ कबूल नहीं थी और इसीलिए वो हेवन की आर्मी से लड़कर डेस्टिनी एस्ट्रोलेब को तोड़ने का डिसाइड करता है ताकि वो अपनी फेथ और लाइफ खुद डिसाइड कर सके। लेकिन अपने प्लान में वो कामयाब नहीं हो पाता क्योंकि हेवन की आर्मी उसे मार देती है और उसकी बॉडी छोटे छोटे पीसेस पर डिवाइड होकर फ्लावर माउंटेन पर वापस गिर जाती है। पर यहाँ हमें पता चलता है कि वो डीमन अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था बल्कि उसके हार्ट स्टोन से एक मंकी डीमन पैदा हुआ था। अब जैसे ही हेवन की गॉडेस को ये पता चलता है कि उस माउंटेन पर अभी भी एक डीमन है तो वो उस डीमन को खत्म करने के लिए उस माउंटेन पर बहुत से डिजास्टर यानी आफते भेजती है जिससे वो डीमन तो नहीं मरता लेकिन वो माउंटेन खंडर बन जाती है। अब जैसे ही वो डीमन अपने माउंटेन को खंडर देखता है तो वो हेवन के लोगों से लड़ने का और डेस्टिनी एस्ट्रोलेब को तबाह करने का डिसाइड करता है। अब यहीं से मूवी का सीन कट होता है और हमें एक एकेडमी को दिखाया जाता है जहां पर हेडमास्टर्स डिसाइड कर रहे थे कि कौन से स्टूडेंट्स हेवन में जाने के लायक हैं। और यहीं पर हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर वो कॉन्ग को भी देखते हैं जो कि इस एकेडमी से खाना चुरा रहा था और तभी उसे एक गार्ड देख लेता है और उसे वहां से कुछ खाने से मना करता है। दूसरी तरफ अब यही गार्ड एक और लड़की से भी बदतमीजी करने लग गया था और वो अब उस लड़की को अपने वेपन से मारने ही वाला था कि तभी एक स्टूडेंट उस लड़की को बचाता है लेकिन इस बात से उस गार्ड को गुस्सा आ जाता है और वो उसी स्टूडेंट को ही मारते हुए बहुत दूर गिराता है। और अब यहाँ पर एंट्री होती है एक डीटी की जिसका नाम अजी है। अजी सबके सामने उस गार्ड को मारती है जिसकी वजह से उस गार्ड के लिए ये सिचुएशन ऑकवर्ड बन जाती है और वो गार्ड अब अपने आदमियों से अजी को मारने के लिए कहता है। लेकिन इससे पहले कि अजी को कोई नुकसान पहुंचता वहां पर वो कॉन्ग आ जाता है और वो अजी को मारने वाले आदमी को पिलर पर गिराते हुए उस गार्ड को मारता है और वो साथ ही गार्ड को मारते हुए दूर फेंकता है। उस गार्ड को मारने की वजह से अब यहाँ पर बहुत सारे गार्ड जा गए थे जो कि वो कॉन्ग से लड़ने वाले थे। अब वो कॉन्ग उनसे लड़ने के लिए अपने कान में से लावा निकालता है जो कि एक वेपन में चेंज हो जाता है और साथ ही वो अपने वेपन को घुमाता है जिसमें से बहुत सी फायर निकलती है और वहां मौजूद सारे के सारे सोल्जर्स एक ही हिट में ऊपर उड़ते हुए दूर गिरते हैं। वो कॉन्ग यहाँ सारे सोल्जर्स को जमीन पर गिरा हुआ देखकर काफी खुश हो रहा था। अब जैसे ही इस सारे वाकये का गॉडेस को पता चलता है तो वो अपने एक खास आदमी टियान को यहाँ सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए भेजती है। वो कॉन्ग जो कि रिलैक्स फील कर रहा था उसे भी अपने करीब खतरे का अंदाजा होता है और तभी यहाँ पर टियान आकर वो कॉन्ग पर बहुत से डैगर्स और ब्लेड से अटैक कर देता है। वो ब्लेड्स उसके इर्द गिर्द एक तूफान क्रिएट कर देती है जिससे उसे लड़ना मुश्किल हो रहा था और अब वो अपना वेपन जोर से जमीन पर मारता है जिसके रिजल्ट में उसका वेपन बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था। वो जल्दी से अपने वेपन पर किक करता है जिसके अंदर से बहुत से फ्लेम्स निकलते हैं और वो सारी ब्लेड्स अब टियान की तरफ मुड़ जाती हैं और अब वो कॉन्ग अपने बड़े से वेपन पर दोबारा टियान पर अटैक कर रहा था और यहाँ पर अब एसी भी थी। वो कॉन्ग एसी को नहीं मारना चाहता था लेकिन वो अपने वेपन को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था और अब एसी अपनी एक फिंगर के साथ उस वेपन को रोक देती है। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में वो वेपन एसी के फ्रेंड अर्लिंग ने रोका था और अब यहाँ पर अर्लिंग और वो कॉन्ग के दरमियान में लड़ाई होती है और अर्लिंग एक ही पंच में उसका वेपन तोड़ देता है जिसकी वजह से वो कॉन्ग दूर जाकर गिरता है और इस तरह वो कॉन्ग हार जाता है और हेवन सोल्जर्स उसे पकड़कर कैद कर लेते हैं। अब यहाँ हमें दोबारा कॉर्डिस को दिखाया जाता है जिसके पास अब टियान मौजूद था और वहीं पर एजी आती है और हम पर रिवील होता है कि असल में एजी इस कॉर्डिस की बेटी है और वो अपनी मदर से इस बात की शिकायत कर रही थी कि वो कॉन्ग के साथ साथ उसके दोस्त अर्लिंग को क्यों कैद किया गया जबकि अर्लिंग ने तो वो कॉन्ग को हरा कर उस लड़ाई को रोका था। और यहाँ कॉर्डिस एजी को बताती है कि अर्लिंग को उनकी बात ना मानने की सजा मिली है क्योंकि कॉर्डिस ने वो लड़ाई रोकने का काम टियान को दिया था। अब यहाँ हम वो कॉन्ग और अर्लिंग दोनों को एक ही प्रिजन में देखते हैं और वो कॉन्ग अर्लिंग से कह रहा था कि हमारी लड़ाई बिल्कुल अनफेयर थी क्योंकि तुम लोग दो थे और मैं सिर्फ एक। और अब वो कॉन्ग दोबारा अर्लिंग से लड़ाई करने को कहता है लेकिन यहाँ पर अर्लिंग उससे मना कर देता है और तब वो कॉन्ग अर्लिंग के साथ साथ उसकी मदर की भी इंसल्ट करता है। इस बात पर अर्लिंग को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी लड़ाई के लिए खड़ा होता है। पर इससे पहले कि वो लोग लड़ाई करते यहाँ पर गॉडेस आ जाती है और गॉडेस अर्लिंग को फ्री कर देती है जिस पर वो कॉन्ग गॉडेस से कहता है कि ये तो कोई इंसाफ ना हुआ, लड़ तो हम दोनों ही रहे थे तो
आपने उसको क्यों फ्री कर दिया, मुझे भी आपको फ्री करना चाहिए। और वुकोंग की बात सुनकर गॉडेस अपने मैजिक से एक क्राउन बनाती हैं और उस क्राउन को वुकोंग के सर पर रख देती हैं। लेकिन ये क्राउन असल में एक क्राउन नहीं था, बल्कि ये गॉडेस के सामने बोलने की सजा थी, जिसको पहनने की वजह से उसको बहुत ज्यादा पेन होता है। और उस क्राउन का कंट्रोल गॉडेस अपनी बेटी एजी को दे देती है। अब वुकोंग अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है और मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वुकोंग ही असल में मंकी डीमन है, जो कि वो उस डीमन के हार्ट स्टोन से पैदा हुआ था और उसे एक ओल्ड मैन ने अपनी पावर्स से इंसान में चेंज कर दिया था, ताकि गॉड्स उसे पहचान न सके और वो गॉड्स की देने वाली बाकी सजा से बच सके। अब दूसरी तरफ हम गॉडेस और अर्लिंग को देखते हैं, जहाँ पर अर्लिंग डेस्टिनी एस्ट्रोलेब के अंदर था और वो गॉडेस उसे इस बात का लेक्चर दे रही कि वो कैसे अपने ह्यूमन इमोशंस को खत्म कर सकता है। और साथ ही वो ये बात भी कह रही थी कि वो इस एस्ट्रोलेब की हेल्प से अपनी मॉम और अपनी फ्रेंड अजी को भूल जाए, जिसके बाद ही वो असल डीटी यानी खुदा बन पाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि वुकोंग को होश आ गया था और वो अपने सामने अजी को देखकर चीखता है और कहता है कि मेरे सर से इस क्राउन को उतार दो। और इस बात पर अब अजी क्राउन का कंट्रोल घुमाती है और वो मंकी डीमन ऐसे नीचे बैठ जाता है जैसे वो उसकी सारी बातें मानता है, क्योंकि वो अब वैसा पेन नहीं फील करना चाहता था जैसा वो इससे पहले कर चुका था। अब वो लोग हेवन एकेडमी के एक सेमिनार पर जाते हैं, जहाँ पर एक मास्टर अपने साथ सभी स्टूडेंट्स को बता रहा था कि ये हेवन कैसे वर्क करती है। वो लोग यहाँ पर एक ब्रिज से गुजर रहे थे और मास्टर उन्हें बता रहा था कि इस ब्रिज से गुजरने के बाद तुम एक इंसान नहीं रहोगे, बल्कि एक डीटी बन जाओगे और तुम्हें अब अपने हर इंसानी इमोशन, इंसानी काम और इंसानी रिलेशन को छोड़ना होगा। और वो ब्रिज आकर एक ऐसे रूम में खत्म होता है जहाँ पर डेस्टिनी एस्ट्रोलेब था। और यहाँ पर वुकोंग के साथ साथ सभी स्टूडेंट्स को गॉडेस मिलती है, जो उन्हें बता रही थी कि ये डेस्टिनी एस्ट्रोलेब कैसे वर्क करता है और अपनी बात ना मानने वालों को कैसे सजा देता है। और इस बात को प्रूफ करने के लिए वो उन्हें मंकी डीमन की एग्जांपल देती हैं, जिसकी वजह से वो फ्लावर माउंटेन भी खराब हो गई थी। ये बात बताने का उस गॉडेस का मकसद ये भी था, क्योंकि वो जान गई थी कि वो कॉन्ग ही असली मंकी डीमन है और वो अब ये भी जानना चाहती थी कि वो कॉन्ग असल में यहाँ क्या करने आया है। वो कॉन्ग अपने साथ होने वाले इंसिडेंट को गॉडेस के मुँह से सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, अजी अपनी मॉम यानी गॉडेस को रोक देती है। असल में वो गॉडेस की इस स्टेटमेंट से डिसएग्री थी। वो कहती है कि हेवन का असल काम लोगों को इंसाफ देना है और वो अपनी मॉम यानी गॉडेस से पूछती है कि क्या किसी का घर तबाह करना कोई इंसाफ हो सकता है। और यहाँ गॉडेस उसे बताती है कि ये सब कुछ वो डेस्टिनी एस्ट्रोलेब ही डिसाइड करता है और उसी का कहा हुआ एक ट्रू जस्टिस है। इस सब के बाद सारे स्टूडेंट्स यहाँ से चले जाते हैं और क्योंकि यहाँ गॉडेस भी जान गई थी कि वो कॉन्ग अब दोबारा हेवन के अंदर है, तो वो अब अपने खास आदमी टियान को बुलाकर उसकी सच्चाई बताती है। गॉडेस टियान को बताती है कि असल में वो कॉन्ग ही मंकी डीमन है, जो कि उस डीमन के हार्ट स्टोन से पैदा हुआ था जिस डीमन ने इस हेवन पर हमला किया था। वो टियान से कह रही थी कि वो कॉन्ग के यहाँ होने से डेस्टिनी एस्ट्रोलेब और हेवन दोनों को ही खतरा है और तुम हेवन को इस खतरे से निकालने के लिए जाओ, उसे मार दो और उसका दिल निकाल लाओ। यहाँ वो कॉन्ग अब अपने गुस्से में किसी तरह उस डेस्टिनी ब्रिज के भी उठा लेता है, जिस ब्रिज को पार करके वो डेस्टिनी एस्ट्रोलेब तक पहुंच सकता था। लेकिन डेस्टिनी एस्ट्रोलेब तक पहुंचने से पहले ही उसे अर्लिंग रोक लेता है। अर्लिंग वही लड़का है जो अजी का फ्रेंड है और अब यहाँ पर उन दोनों के दरमियान में फाइट शुरू हो जाती है और अर्लिंग अपना वेपन यूज करते हुए वो कॉन्ग के फायर वेपन को फ्रीज कर देता है। वो लोग यहाँ बुरी तरह लड़ रहे थे और इसके नतीजे में ब्रिज के पिलर्स भी टूट गए थे, जिसकी वजह से वहाँ तूफान क्रिएट हो गया था। और उसी टाइम अब एंट्री होती है टियान की। अर्लिंग और टियान दोनों मिलकर वो कॉन्ग से लड़ थे। यही जब अजी ब्रिज के गार्ड के पास पहुंचती है तो गार्ड को बेहोश देखकर अजी को भी अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब अर्लिंग और टियान मिलकर वो कॉन्ग को हराने ही वाले थे, तो तभी वहाँ पर अजी उस गार्ड के साथ आ जाती है। अजी के रोकने पर अर्लिंग और टियान दोनों रुक जाते हैं, पर वो कॉन्ग अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपना वेपन जैसे ही ब्रिज पर मारता है तो वो वेपन खतरनाक हद तक बड़ा होते हुए ब्रिज को तोड़ देता है। और ब्रिज टूटने की वजह से वो सब अब फ्लावर माउंटेन पर जाकर गिरते हैं, जहाँ पर वो डीमन रहा करता था। यहाँ आने पर भी वो तीनों एक दूसरे से लड़ रहे थे, लेकिन इस वक्त उनको चोट लगना शुरू हो जाती है और अब उनको पता चलता है कि हम जमीन पर आ गए हैं और हमारी सुपर पावर्स खत्म हो गई हैं। और तभी इस वक्त गांव पर क्लाउड डीमन अटैक कर देता है, जो कि अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए सब गांव वालों को अपने अंदर ले रहा था। सभी गांव वाले डरकर उससे छुप रहे थे और अंदर अपने घरों की तरफ जा रहे थे। और इसी दौरान टियान की नजर एक बच्चे पे पड़ती है, जो कि बाहर ही रह गया था, और उसे यहाँ पर एक लड़की बचाने के लिए आती है। टियान जल्दी से आता है और
उन दोनों को बचाकर अंदर ले जाता है। और इससे पहले कि वो खुद अंदर जा पाता, अब क्लाउड डीमन उसे ही अपने अंदर खींचने लगा था। और अब टियान को और कोई नहीं बल्कि वुकोंग बचाता है, जिसे टियान मारने वाला था। इस वक्त एजी अपने एरो से उस क्लाउड डीमन पर अटैक करती है, जिसकी वजह से वो क्लाउड डीमन फ्रीज हो जाता है और वहां से वापस चला जाता है। सीन यहीं से कट हो जाता है और सुबह होने पर हम वुकोंग और अर्लिंग को रस्सी से बंधा हुआ देखते हैं, जिन्हें एजी ने बांधा था। और अब एजी उन सबसे कहती है कि ये गांव वाले खतरे में हैं और हमें अपनी लड़ाई छोड़कर इनकी मदद करनी चाहिए। और साथ ही एजी उन दोनों को ये भी बताती है कि गांव वालों को लग रहा है कि हम डीटीज उनकी मदद करने के लिए आए हैं। पहले तो एजी और अर्लिंग दोनों इनकार कर देते हैं, और फिर जब वो खुद गांव वालों को मुश्किल में देखते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि वो अब क्लाउड डीमन को पकड़ कर ही रहेंगे। और अब वो लोग उसे पकड़ने के लिए एक आर्टिफिशियल सनसेट क्रिएट करते हैं, क्योंकि सूरज गुरूब होने के बाद ही वो बादल अपेयर होता था। और उस आर्टिफिशियल सनसेट को देखते ही वो क्लाउड डीमन अब गांव पर अपेयर हो गया था। अब यहां सब लोग मिलकर उस पर फ्रीजिंग एरो से अटैक कर रहे थे, लेकिन इसे कुछ भी नहीं हो रहा था, बल्कि सिर्फ उस डीमन को गुस्सा आ रहा था। और अब टियान जल्दी से भागता हुआ जाता है और अपने आर्टिफिशियल सनसेट एलुयन को आग लगा देता है, जिसकी वजह से वहां पर डीमन का फेस देखा जा सकता था। उस डीमन का चेहरा नजर आते ही वुकोंग अपनी बड़ी सी फ्रीजिंग कैनन से उस पर अटैक कर देता है। और अब यहां वुकोंग के मारते ही टियान उस डीमन को कैद कर लेता है, और इस तरह गांव वाले उस डीमन से बच जाते हैं जो उन्हें सालों से तंग कर रहा था। इस गांव में टियान को अपनी वो फ्रेंड भी मिलती है जिसे हेवन से निकाल दिया गया था। इस सब के बाद हम वुकोंग और अजी को देखते हैं, जहां अब हमें पता चलता है कि अजी वुकोंग को पसंद करने लगी थी, लेकिन ये बात गॉडेस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और वो अब अजी को वापस हेवन में लेकर आने के लिए हेवन से अपनी आर्मी को फ्लावर माउंटेन तक भेजती है। यहां पर आने के बाद वो सोल्जर सभी को मार रहे थे, और इस लड़ाई के दौरान वो डीटी टियान जो के अब जमीन पर आने की वजह से इंसान बन चुका था वो भी मर जाता है। और अजी को वो सोल्जर्स वापस लेकर जाने लगते हैं, जो देखकर वुकोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और वुकोंग अब सोल्जर्स से लड़ता है, लेकिन वो हार जाता है और वो सोल्जर्स वुकोंग को लेकर हेल में चले जाते हैं। और यहाँ हेल में उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा था। वुकोंग को उन्होंने चेन्स में बांधा हुआ था और उसकी पूरी बॉडी भी जला दी थी, लेकिन वो अभी भी अपनी फ्रेंड एजी का वेट कर रहा था। और यहाँ एजी आकर वुकोंग को बताती है कि तुम हार गए हो और तुम्हारी माउंटेन दोबारा तबाह हो गई है, जिसे सुनकर वो सच में हार जाता है और वहीं पर मर जाता है। यहां दूसरी तरफ अर्लिंग भी अभी कैद में ही था, और वुकोंग भी एजी की बातें सुनने की वजह से मर गया था। एजी उसके मरने पर बहुत ज्यादा दुखी थी, और एजी अब वुकोंग के स्कार्फ को और उसकी मर्ट को उठाकर दोबारा फ्लावर माउंटेन तक फेंक देती है, जहां जाने पर मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाने वाला ओल्ड मैन दोबारा उस मंकी डीमन के स्कार्फ को पकड़ता है और मंकी डीमन को जिंदा कर देता है। वो यहां कहता है कि तुम नहीं हार सकते, तुम कैसे हार गए हो, और मंकी डीमन को यानी वुकोंग को दोबारा लड़ने के लिए कहता है। लेकिन यहां अर्थ पर आने की वजह से वुकोंग की एक मर्तबा सारी पावर्स खत्म हो गई थी, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और फ्लावर माउंटेन पर पड़े अपने बड़े से वेपन को पकड़ता है। और बहुत कोशिश के बाद वो अपनी सारी पावर्स वापस हासिल कर लेता है। वो अपने बड़े से वेपन को जमीन पर मारता है, जिससे एक आग का तूफान क्रिएट होता है जो उसको हेवन तक ले जाता है। हेवन तक आने पर वो दावा करता है कि अब मेरी पावर्स और हेवन की पावर्स इक्वल हैं। और साथ ही वो अपने वेपन से फायर निकालते हुए वहाँ पर गार्ड्स को बहुत दूर फेंकता है, और अब आगे बढ़ता है सेलेस्टियल गार्ड से लड़ने के लिए, जिसके बाद वो डेस्टिनी एस्ट्रोलॉब को खत्म कर सकता था। अब यहाँ हम देखते हैं कि टियान भी जिंदा होकर वुकोंग के पास आता है, और वो वुकोंग का साथ देने के लिए सेलेस्टियल आर्मी से लड़ने लग जाता है, जबकि एजी अंदर डेस्टिनी एस्ट्रोलॉब पर अटैक कर देती है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे डिस्ट्रॉय कर पाती, वहाँ पर गॉडेस उसे रोकती है। और अब एजी अपनी मॉम के अटैक की वजह से दूर गिरने वाली थी, लेकिन तभी वो कॉन्ग वहाँ पर आकर एजी को कैच कर लेता है। और यहाँ पर टियान अब उस गॉडेस से लड़ने लगा था। टियान अपने बहुत से मेटल से उस गॉडेस पर अटैक करता है, लेकिन गॉडेस अपने सामने मेटल शील्ड बनाते हुए उन सारी ब्लेड्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। और अब वो गुस्से में टियान पर ऐसा अटैक करती है कि टियान वहाँ दूर जाकर गिरता है और डस्ट में चेंज हो जाता है, यानी वो खत्म हो गया था। अब यहाँ वुकोंग के हाथ में हम एजी को देखते हैं, जिसकी सोल इंजर हो गई थी। और यहाँ पर एजी वुकोंग से कहती है, तुम उदास मत होना बल्कि अपने लिए लड़ो, और ये कहते साथ ही वो मर जाती है। और अब यहाँ पर एंट्री होती है एर्लिंग की, जिसे गॉडेस ने डेस्टिनी एस्ट्रोलेब के जरिए फीलिंगलेस बना दिया था, और वो अब गॉडेस की तरफ से वुकोंग से लड़ता है। वो वुकोंग को मारने ही वाला होता है कि तभी उसकी फ्रेंड एजी उसके सामने आती है। एजी सच में उसके सामने नहीं थी,
बल्कि अजी ने अपना इल्यूजन उसके सामने क्रिएट किया था और वो एल्डिंग से रिक्वेस्ट करती है कि वो वुकोंग को ना मारे क्योंकि वो वुकोंग को पसंद करती थी। और ये बात सुनकर अब एल्डिंग के अंदर दोबारा फीलिंग्स जाग जाती हैं। और अब जब यहाँ पर गॉडेस आती है तो वो फील करती है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है और उसे जैसे ही पता चलता है कि एल्डिंग्स के पास फीलिंग वापिस आ गई है तो अब वो वुकोंग और एल्डिंग दोनों को मारने के लिए एक बहुत बड़ा तूफान क्रिएट करती है, लेकिन ये तूफान उनको हरा नहीं पाता और वुकोंग उस तूफान के अंदर से ही मुख्तलिफ चीजों के ऊपर चढ़ते चढ़ते उस गॉडेस के पास पहुंचता है और यहाँ उसे अपने अटैक से खत्म कर देता है और साथ ही वो अपना मकसद भी पूरा कर लेता है, यानी वो डेस्टिनी एस्ट्रोलेब को भी खत्म कर देता है। यहाँ अब वो मंकी डीमन अपने मकसद में कामयाब हो गया था और अब एल्डिंग इस हेवन का न्यू डीटी था और वो अब मंकी डीमन से कहता है कि इस बार तो तुम्हें अजी ने बचा लिया, लेकिन अगली बार अगर तुम हेवन में आए तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। और अब वो दोनों अपने अपने रास्तों की तरफ चले जाते हैं, यानी एल्डिंग जो कि अब न्यू डीटी था वो हेवन की तरफ चला जाता है और मंकी किंग अब अपना मकसद पूरा होने के बाद अपनी फेथ को एक्सेप्ट कर लेता है और अपने फ्लावर माउंटेन की तरफ चला जाता है। और यही दिखाते हुए ये मूवी एंड हो जाती है।